हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज रीजनिंग की वीडियो में हम देखने वाले हैं रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, और अगर आप चाहते हैं सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन लेना तो नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए दोस्तों, मैं अकेडमी पर लाइव पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर आप रेलवे की कंप्लीट कर सकते हैं केवल 800 रुपए में। यहां पे आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर, साइंस की लाइव क्लासेस मिल जाती है, और 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है अगर आप सौरभ मलिक 1 कोड का यूज करते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाके आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं और देख सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है इस कोर्स के रिगार्डिंग, तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर में मैसेज और कॉल करके पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी दोस्तों, पूरा एंड तक देखिएगा। और इससे पहले जितनी भी वीडियो अपलोड हो चुकी है रीजनिंग की, उनकी मैंने प्लेलिस्ट बना के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहाँ से जाके आप वो सारी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, चार मित्र व्रतकार बैठकर ताश खेल रहे थे। राम के दाईं ओर शंकर बैठा था और अरविंद के बाईं ओर गोपाल बैठा था। निम्नलिखित में से कौन से युगम खेल में भागीदार थे? तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले लाइन को पढ़ते हैं और उसमें जो बोला जा रहा है उसको ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है चार मित्र हैं, ठीक है, एक व्रतकार यानी कि गोले में बैठे हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक गोला बनाएंगे, ठीक है, और उस गोले के चारों तरफ को चार दोस्त बैठे होंगे, ये चार आदमी बैठे होंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है, अगर आपको ये नहीं बताया गया कि फेस किस डायरेक्शन में है, तो आप मान के चलेंगे कि सभी का फेस अंदर की साइड को है, ठीक है। यानी कि जो चार दोस्त बैठे हैं, इन सभी का जो मुंह होगा वो इस मेज के, मेज मान लीजिए, फिर गोला मान लीजिए, इसके अंदर को ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट लाइन में क्या बोला जा रहा है, राम के दाईं ओर शंकर बैठा था। तो राम के दाईं ओर शंकर कब बैठेगा, जब राम को हम यहाँ पे बैठा देंगे। मान लीजिए राम यहाँ पे बैठा है, तो राम का दाईं साइड कौन सा होगा, ये वाली, और यहाँ पे शंकर बैठ जाएगा। क्योंकि अगर राम का फेस अंदर को साइड है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे बैठाऊंगा तो मेरा दाईं साइड कौन सा होगा, ये वाला यानी कि राइट साइड, तो शंकर आपका यहाँ पे बैठ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों बोला जा रहा है, और अरविंद के बाईं ओर गोपाल बैठा था। अरविंद के बाईं ओर, देखिए अरविंद के बाईं ओर किस कंडीशन में आएगा, अगर मैं अरविंद को यहाँ पे बैठा देता हूँ तो इसका फेस इस डायरेक्शन में होगा, तो इसका बाईं ये हो जाएगा, तो अरविंद के बाईं ओर आपका गोपाल आ जाएगा, ठीक है। तो अभी ये चारों बैठ चुके हैं, उसके बाद भी देखते हैं, कुछ बोला जा रहा है कि बाईं ओर गोपाल बैठा था, निम्नलिखित में से कौन सा युगम खेल में भागीदार था, ये आपको बताना है। देखिए, राम और अरविंद का तो कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि आमने सामने तो राम और अरविंद नहीं बैठे हैं, ठीक है। राम के सामने गोपाल बैठा है और अरविंद के सामने आपका शंकर, तो अरविंद, शंकर, गोपाल और राम का हो सकता है। तो देखिए, गोपाल और राम ऑप्शन 4 आपका है, बाकी आपका अरविंद और शंकर यहाँ पर किसी में भी दिख नहीं रहा है, तो ये आपका ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, समझ में आया होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, ठीक है। और अभी बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे, तो वीडियो को भी एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है, पांच विद्यार्थी ए, बी, सी, डी और ई एक व्रतकार में एक दूसरे के सामने आमने सामने बैठे हैं। यदि ए और डी के बीच ई है और बी के दाएं ओर ए है, तब बी के बाएं ओर कौन बैठा है? देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आप फिर से एक गोला बनाएंगे, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो बोला जा रहा है उसको देख लेते हैं। ए बी सी डी एक वृत्तकार गोले में बैठे हुए हैं, ठीक है, एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं। यदि ए और डी के बीच ई बैठा है, ठीक है, ए और डी के बीच ई आएगा जहाँ पे भी ये बैठेंगे, ठीक है, और बोला जा रहा है बी के दाईं ओर ए है, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ए कहाँ पर आएगा। तो सबसे पहले हम बी को ही बैठा लेते हैं, अगर बी यहाँ पे बैठा है, इसके दाएं ओर ए है और ए और डी के बीच में ई है, तो डी यहाँ पे होगा, तो इसके बीच में ए और डी के बीच में ई आ जाएगा और बी के दाएं ओर ए था। समझ में आया इतना? ये चीज़ एक बार के में ही सारी मतलब पूरे क्वेश्चन में एक लाइन में बोल दी गई कि बी के दाएं ओर ए है, ठीक है, बी का दाएं ओर ये हो जाएगा दोस्तों, अगर इसका फेस अंदर की साइड होगा तो दाएं साइड ये हो जाएगा, तो बी के दाएं ओर ए हो गया और ए और डी के बीच में ई है, तो ये भी आपका क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में फिर क्या बोला जा रहा है, और बी के दाएं ओर ए है, तब बी के बाईं ओर कौन बैठा है? तो आप मुझे बताइए, ए, बी, डी और ई सारे हो चुके हैं, बचा कौन सी?
सी कहाँ पे आएगा, जो एक स्पेशल एक स्पेस बचा हुआ है तो वहाँ पे सी आ जाएगा। तो तब बी के बाईं ओर कौन बैठा है, तो बी के बाईं ओर आपका सी आ जाएगा, क्योंकि सी का अभी तक कोई भी स्थान फिक्स नहीं हुआ था। बी का भी हो चुका था, ए का भी हो चुका था, ई का भी हो चुका था, डी का भी हो चुका था, तो सी आपका बचा हुआ था, तो बी के बाईं ओर आपका सी आ जाएगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो देख लीजिए आपका ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन थ्री इज़ द राइट आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आप इसी तरीके से करेंगे एक एक लाइन पढ़ के, तो आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। बाकी इसकी ऐसी कोई भी ट्रिक या फिर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि आप उसमें फॉर्मूले में रखेंगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको समझ के ही क्वेश्चन को करना पड़ेगा, यही ट्रिक है और यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाकी आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है, लेफ्ट राइट दाएं बाएं का अगर आप खेल समझ जाते हैं कि अंदर की साइड को फेस करके बैठे हैं तो राइट और लेफ्ट कहाँ पे होगा, ये मैं आपको हर बार बता रहा हूँ कि खुद को मान लीजिए कि अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि इसका लेफ्ट कौन सा होगा, इसका राइट कौन सा होगा, इसका दाएं कौन सा होगा, इसका बाएं कौन सा होगा, तो आप ये मान लीजिए कि मैं वहाँ पे बैठा हूँ और मेरा उस डायरेक्शन में फेस होने के बाद मेरा कौन सा राइट होगा और मेरा कौन सा लेफ्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर थ्री है और इसमें भी यही बोला जा रहा है कि पांच लड़के केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार घेरे में बैठे हैं, अजय, रमेश और दिनेश के बीच में है। देखिए यहाँ पे बताया गया सबसे पहले कि अजय जो है वो रमेश और दिनेश के बीच में है, तो आप सबसे पहले अजय को रमेश और दिनेश के बीच में बैठा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं हम रमेश को और अजय को हम यहाँ पर मान लेते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है अजय जो है वो रमेश और दिनेश के बीच में है, तो रमेश को हम यहाँ पे मान लेंगे, दिनेश को यहाँ पे मान लेंगे। अभी दोनों के स्थान फिक्स नहीं है क्योंकि रमेश इस साइड में भी आ सकता है और दिनेश इस साइड में भी आ सकता है, तो आप अभी ये एक एज्यूम कर लेंगे कि अजय आपका बीच में बैठा है और दिनेश और रमेश यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला जा रहा है दोस्तों, अजय रमेश और दिनेश के बीच में है, यहाँ तक हो गया। सलीम बबलू के बाईं ओर है और रमेश सलीम के बाईं ओर है, तो आप क्या करेंगे, सलीम को सबसे पहले रमेश के दाईं ओर कर देंगे, क्योंकि सलीम के बाईं ओर कौन है आपका, अगर देखिए ये अंदर की साइड होगा तो रमेश जो है वो सलीम के बाईं ओर है, यानी कि इस डायरेक्शन में हो जाएगा सलीम के, तो यहाँ पे रमेश आ गया, सलीम यहाँ पे आ जाएगा। दोस्तों समझ रहे हैं ना आप, क्योंकि हमने रमेश को अगर यहाँ पे बैठा दिया तो सलीम के बाईं ओर रमेश है, तो सलीम को यहाँ पे बैठाएंगे, ठीक है। और इसके अगली लाइन में और चीज़ें क्लियर कर दी गई है, यहाँ पे इससे पहली लाइन में बोल दिया गया था, ये तो मैंने ये वाली कंडीशन की है, अब इस वाली कंडीशन को कर लेते हैं। सलीम बबलू के बाईं ओर है, तो बबलू इससे पहले आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। बबलू कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। भाई आपको ये नहीं कि बिल्कुल सीक्वेंस में ही करना है, अगर सलीम पहले हम यहाँ पे बैठा के सलीम को यहाँ पे बैठा के और रमेश के बाईं ओर, रमेश सलीम के बाईं ओर बैठा है, तो सबसे पहले इस कंडीशन को फुलफिल कर लेते हैं, फिर उसके बाद सलीम जो है वो बबलू के बाईं ओर है, तो बबलू यहाँ पे बैठ जाएगा क्योंकि अंदर की साइड में फेस रहेगा, तो बबलू का बाईं साइड ये हो जाएगा। तो यहाँ तक आपका हो चुका है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, सलीम के बाईं, सलीम बबलू के बाईं ओर बैठा है, रमेश सलीम के बाईं ओर है, और उसके बाद बताए कि अजय के ठीक दाईं ओर कौन है। दोस्तों अजय के ठीक दाईं ओर कौन होगा, देखिए अभी तक सारे फिक्स हो चुके हैं, ये भी, अब अजय के ठीक दाईं ओर कौन हो जाएगा, अगर इसका फेस इस डायरेक्शन में है तो आपका अजय के ठीक दाईं ओर आपका रमेश हो जाएगा यहाँ पे, और जो दिनेश बच गया था, बाकी इस क्वेश्चन में दिनेश के बारे में कोई पूछा नहीं गया, बट दिनेश को हम यहाँ पे बैठा देंगे क्योंकि सारी जगह आपकी फुल हो चुकी थी, ये भी फिक्स हो चुका था, ये भी, बाकी जो बचा हुआ था उसको वहाँ पे बैठा देंगे, ठीक है। बट यहाँ पे पूछा अजय के दाईं ओर कौन है, तो अजय के दाईं ओर दोस्तों रमेश हो जाएगा, तो यहाँ पे रमेश इज द राइट आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ऑप्शन फोर आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर फोर थोड़ा सा चेंज है और इस क्वेश्चन को भी समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि पांच लड़कियाँ एक गोले में केंद्र की ओर मुँह करके खड़ी हैं, सुमन लता एवं आशा के बीच है, ममता लता के दाहिने हैं, यदि सुमन और ममता अपना स्थान बदल ले, अब की बार स्थान बदलने के बाद में पूछा जाएगा कुछ क्वेश्चन, वो आपको बताना है, तो रजनी की बाईं ओर चौथी लड़की कौन सी होगी। तो बहुत ही आसानी से कर लेंगे, सबसे पहले हम वही एक गोला बनाएंगे, ठीक है, और उसमें आपको पांच लड़कियों को बैठाना है। किस तरीके से यहाँ पे बोला जा रहा है, सुमन लता एवं आशा के बीच में है,
तो सुमन जो है वो लता और आशा के बीच में है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले सुमन को यहाँ पे बैठाएंगे और लता और आशा के बीच में है तो लता यहाँ पे भी हो सकता है, लता यहाँ पे भी हो सकता है भाई, ठीक है। तो अभी लता का और आशा यहाँ पे भी हो सकती है, ठीक है। तो अभी इन दोनों के जगह को हम फिक्स नहीं कर सकते, बट मान लेते हैं कि सुमन बीच में है तो आएगी आएगी, लता और आशा इस तरीके से बैठे होगी। नेक्स्ट लाइन में बोला जा रहा है कि ममता लता के दाहिने हैं। देखिए ममता जो है वो लता के दाहिने कब आएगी, क्योंकि लता को अगर हम यहाँ पे बैठाएंगे तभी लता इसके लता के दाहिने ममता आएगी, क्योंकि अगर लता को मैं यहाँ पे बैठा दूँ तो इसका दाहिना ये हो जाएगा और इसका दाहिना अगर ये हो जाएगा तो यहाँ पे सुमन बैठी है तो ये यहाँ पे नहीं बैठ सकती है, ठीक है। तो लता को हमें यहीं पे ही बैठाना पड़ेगा। दोस्तों छोटी छोटी चीज़ों को सीखते चलिए कि लता को हमने यहीं पे क्यों बैठाया, यहाँ पे क्यों नहीं बैठाया, लता को हमने यहाँ पे क्यों इसलिए नहीं बैठाया। अगर मैं लता को यहाँ पे बैठा दे तो मान लीजिए लता को यहाँ पे बैठा दिया तो लता के दाहिने और ममता है। अब ममता यहाँ पे इसके बाद नहीं आ सकती क्योंकि आशा और लता के बीच में सुमन है, ठीक है। तो इसलिए लता को यहाँ पे बैठाएंगे और इसका दाहिना ये हो जाएगा, तो दाहिने और यहाँ पे ममता बैठी है तो इसका स्थान फिक्स हो चुका है। दोस्तों इसके बाद बोला जा रहा है ममता जो है वो लता के दाहिने ओर है, यदि सुमन और ममता अपना स्थान बदल ले। देखिए सुमन और ममता अगर अपना स्थान बदल ले तो सुमन और ममता कहाँ पे बैठे हैं, सुमन और ममता अगर ये यहाँ पे आ जाए और ममता यहाँ पे आ जाए तो आपका जो पूरा गोला है चेंज होके कौन सा बन जाएगा, ये बन जाएगा, यानी कि सुमन इधर आ गई और ममता इधर आ गई, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन कौन सा पूछा जा रहा है दोस्तों वो देख लेते हैं। तो रजनी की बाई और चौथी लड़की कौन होगी, रजनी के बाई और चौथी लड़की कौन सी होगी, तो आप क्या करेंगे। देखिए यहाँ पे सारे जो है आपके ये फिक्स हो चुके थे, एक बच गई थी रजनी, अगर रजनी को यहाँ पे बैठा देता हूँ क्योंकि एक ही स्पेस आपका खाली बचा है वहाँ पे रजनी को बैठा देते हैं, तो रजनी के बाईं और चौथी लड़की कौन बैठी है तो काउंट कर लीजिए बाईं और कौन सा होगा। देखिए अगर रजनी इस डायरेक्शन में बैठी है तो आप खुद देखिए, अगर मैं यहाँ पे बैठ जाऊँ तो मेरा दाएं सॉरी मेरा बाईं और कौन सा रहेगा, मेरा बाईं और ये रहेगा और दाएं और ये रहेगा, यानी कि राइट साइड और लेफ्ट साइड। तो आपको लेफ्ट साइड में यानी कि बाईं और आपको कौन सा चौथी लड़की देखनी है, तो 1 2 3 4, तो 4 आपका आशा हो जाएगा, तो आशा आपका राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। इस तरीके से अगर आपको स्थान बदल के दे दिया जाता है तो क्वेश्चन बिल्कुल भी हार्ड नहीं होता है, वही क्वेश्चन होता है, बस थोड़ा सा ध्यान से आपको करना होता है कि किस डायरेक्शन में आपको दाएं मुड़ना है और किस डायरेक्शन में आपको बाएं जाना है, ठीक है। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है और इसमें बोला जा रहा है चार लड़कियां तथा चार लड़के एक वर्ग के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, ठीक है भाई। प्रत्येक वर्ग के कोनों पर तथा उसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं पर बैठे हैं, तो एक वर्ग आपका कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, इसके चारों कोनों पर, ठीक है, और बाकी इन बीच में बैठे हुए हैं ये चार लड़के और चार लड़कियां। बैठे किस प्रकार हैं ये देख लेते हैं, यहाँ तक हो गया आपका। उसके बाद बोला जा रहा है मधु की स्थिति उषा के ठीक सामने विकर्ण रूप में है, यानी कि मधु और आपकी उषा आमने सामने बैठी है, मधु की स्थिति उषा के ठीक सामने विकर्ण रूप में है, तो कुछ इस तरीके से बैठे होंगे। मान लीजिए अगर मधु यहाँ पे बैठी है तो विकर्ण रूप में यहाँ पे इसके सामने हो जाएगी उषा, तो मधु की स्थिति उषा के ठीक सामने विकर्ण रूप में है, ये आपका यहाँ पे हो गया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद बोला जा रहा है ठीक सामने विकर्ण रूप में है जो गीता के दाहिनी ओर बैठी है, तो गीता के दाहिनी ओर बैठी, इसका मतलब दोस्तों गीता कहाँ पे होगी, गीता यहाँ पे होगी और उषा के यानी कि इसके दाहिनी ओर बैठी है ये उषा, तो आपका ये हो जाएगा दाहिनी ओर, ठीक है, क्योंकि सभी का फेस जो है अंदर की साइड को है, तो अगर अंदर की साइड को है तो गीता का फेस भी अंदर की साइड को होगा, तो दाहिनी ओर कौन सा हो जाएगा, ये वाला, तो राइट आंसर आपका यानी कि मतलब अब ये राइट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। गीता, उषा और आपका मधु का हमें पता चल चुका है कहाँ कहाँ पे बैठे हैं, ठीक है भाई। ठीक सामने है जो कि गीता के दाहिनी ओर बैठी है, यहाँ तक आपको हो चुका है। गीता के बाईं ओर बैठा राम गोपी के सामने है, देखिए गीता के बाईं ओर राम बैठा है और गोपी के सामने है, तो इसका मतलब देखिए यहाँ पे मान लीजिए गीता के बाईं ओर राम, यानी कि राम यहाँ पे आ जाएगा गोपी के सामने, तो गोपी का सामने कौन सा होगा, तो गोपी यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है गीता के बाईं ओर बैठा राम गोपी के सामने है, तो गोपी यहाँ पे बैठा होगा ना, क्योंकि आमने सामने तो यहीं पे बन सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद बोला जा रहा है गीता के बाईं ओर बैठा राम गोपी के सामने जो बोस के बाईं ओर बैठा है, जो कि
बोस के बाईं ओर बैठा है, यानी कि जो गोपी है वो बोस के बाईं ओर बैठा है, तो बोस अगर यहाँ पे बैठा है तो ये इसके बाईं ओर हो जाएगा। तो दोस्तों आइए इसमें देखिए, गोपी, बोस, मधु और आपका राम, गीता और उषा, ये सारे हो चुके हैं। बचे आपके दो वाले, ये किस तरीके से बैठेंगे इनके बारे में भी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखी है, गया देख लेते हैं। बोस के बाईं ओर बैठा है। सुमा की स्थिति, जो सुमा है, सुमा की स्थिति मधु के दाहिनी न होकर प्रेमा के सामने है। सुमा की स्थिति मधु की दाहिने ना होकर, देखिए अगर अब यहाँ पे हमें कन्फ्यूजन क्या था कि सुमा यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी मधु, सॉरी प्रेमा यहाँ पे आएगी या यहाँ पे आएगी, तो यहाँ पे बता दिया कि मधु के दाहिने ओर सुमा ना बैठकर प्रेमा के सामने है, तो इसका मतलब प्रेमा यहाँ पे आ जाएगी और इसके सामने ही आ जाएगी, क्योंकि ये यहाँ पे क्लियर कर दिया कि ये मधु के दाहिने ओर नहीं बैठी है। सुमा जो है वो मधु के दाहिने ओर नहीं बैठी है, ये क्वेश्चन में पहले से ही क्लियर कर दिया, तो इसका मतलब प्रेमा यहाँ पे बैठेगी और इसके सामने हो जाएगी आपकी सुमा। तो ये सारे के सारे बैठ चुके हैं, एक बार और इस वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा अगर आपको किसी भी पॉइंट में समझने में प्रॉब्लम आ रही है। अब इसमें बोला जा रहा है दोस्तों, पहला क्वेश्चन, बोस के सामने कौन बैठा है, तो बोस के सामने कौन बैठा है, गीता बैठी है, क्योंकि बोस कहाँ पे बैठा है, यहाँ पे बैठा है और गीता यहाँ पे बैठी है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा गीता, यानी कि ऑप्शन वन इज द राइट आंसर। तो पहले वाले का तो एक हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, यानी कि इससे रिलेटेड अब दो तीन क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, उनका आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर टू है, मधु के सामने कौन बैठा है, तो मधु के सामने देख लीजिए दोस्तों, मधु के सामने उषा बैठी है, ये तो बिल्कुल आपको क्वेश्चन में ही बता दिया गया था, तो बहुत ही आसान है, तो राइट आंसर आपको हो जाएगा दोस्तों उषा, ऑप्शन टू इज द राइट आंसर। आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, सारे अलग अलग टाइप के मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, ठीक है भाई। अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है और इसमें बोला जा रहा है पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्लू व्रतकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। तो देखिए अभी काउंट कर लेते हैं पहले कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, अगर ये आठ है तो सबसे पहले हम इन एक गोला बना के इन आठों की सीट बना देते हैं। तो ये आपने गोला बनाया और सीट कैसे बनाएंगे, एक दो आमने सामने मतलब पूरी क्लियर कर लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ठीक है। आप ऐसे भी बना सकते हैं, यानी कि आप ऐसे करके ये कितनी होगी चार और चार ये हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी सीट होगी, इससे आपको बार बार कन्फ्यूज नहीं होना पड़ेगा कि कहाँ पर किसको बैठाना है, ठीक है। यानी कि आप कहीं से ना कहीं आप क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे और फिर आपको ये नहीं मतलब प्रॉब्लम आएगी बार बार कि अब ये कितना इसको छोड़ के बैठाना और कितना छोड़ के नहीं बैठाना है। अब देख लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है वी तथा एस के बीच में क्यू बैठा है, तो वी और एस के बीच में हम क्यू को बैठा देते हैं सबसे पहले। तो कहीं पर भी आप वी और एस को लिखिए, वी यहाँ पर भी हो सकता है और एस यहाँ पर भी हो सकता है, तो अभी क्लियर नहीं है, वो नेक्स्ट लाइन में क्लियर हो जाएगा। तो वी और एस के बीच में आपका क्यू बैठा है, ये क्लियर है दोस्तों। फिर नेक्स्ट बोला जा रहा है V तथा S के बीच में क्यों बैठे है, W Q के बाएं तीसरे स्थान पर है, ठीक है, तीसरा तथा P के दाएं और दूसरे स्थान पर है। देखिए W के बारे में दो चीज़ें बताई गई है, Q के तो बाएं तीसरे स्थान पर है और P के दाएं दूसरे स्थान पर है, तो Q के बाएं और P के दाएं, तो Q के बाएं भाई हो जाएगा ये देखिए तीसरे स्थान पर, वन टू थ्री यहाँ पे W, और P के दाएं आपका हो जाएगा दूसरे स्थान पर, तो इसका मतलब ये आपका हो जाएगा वन टू यहाँ पे। यानी कि W के बारे में दो कंडीशन दी गई है कि W Q के बाएं और तीसरे स्थान पे, तो Q अगर हमने यहाँ पे बैठा दिया था इन दोनों के बीच में, तो इसके बाएं और तीसरा स्थान कौन सा होगा दोस्तों, इसका फेस अंदर की साइड में, तो बाएं ये वाली साइड हो जाएगी ये वाली, ठीक है। तो वन टू थ्री यहाँ पे बैठ गया, और P को कहाँ पे बैठाना है, P के बीच में और W के बीच में एक बंदा आएगा, क्योंकि P से दाहिने और W है आपका दूसरे नंबर पे, तो वन और दूसरा आपका ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई बैठा होगा, अभी U को आप ये समझिए कि खाली स्थान है, क्योंकि आगे लाइन में बताया जाएगा। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है P के दाएं और दूसरे स्थान पर है, P तथा V के बीच में R बैठा है, P तथा V के बीच में R बैठा है, तो इसका मतलब आपका हो जाएगा, देखिए P यहाँ पे और V यहाँ पे पता चल गया था हमें दोनों का, तो R इनके बीच में आ जाएगा, P V के बीच में R बैठा है। नेक्स्ट लाइन में बोला जा रहा है दोस्तों, P तथा V के बीच में R बैठा है, Q तथा T के एक दूसरे के आमने सामने नहीं बैठे हैं। देखिए Q और तथा T एक दूसरे के आमने सामने नहीं बैठे हैं, अगर Q और T आमने सामने नहीं बैठे हैं, तो इसका मतलब आपका देखिए Q
यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक स्पेस आपका बचा हुआ था पी और डब्ल्यू के बीच में, तो यू को हम यहाँ पे बैठा देंगे क्योंकि यू और टी हमारे बैठाए बिना भी बचे हुए थे, तो टी यहाँ पे नहीं आएगा तो कहाँ पे आएगा, एक स्पेस यहाँ पे बचा हुआ था तो टी यहाँ पे आ जाएगा। भाई क्यू के सामने टी नहीं बैठा, ये क्वेश्चन में क्लियर कर दिया ना, तो आपके दो स्पेस बचे हुए थे, एक तो ये वाला और एक ये वाला। अगर क्यू के सामने टी नहीं बैठा तो क्यू के सामने यू आ जाएगा, और जहाँ पे कुछ नहीं बताया गया तो वहाँ पे टी आ जाएगा, दो ही तो स्पेस खाली थे। तो ये पूरा आपका बन के आ जाएगा एक गोला जिसमें बैठ गए हैं हम ये पूरे के पूरे 8 मेंबर। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, वो देखते हैं आंसर दे करके कि क्या क्या पूछे जा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो आप पढ़ के देखिए। तो इसमें सबसे पहला आपका बोला जा रहा है एस तथा पी एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। तो भाई बिल्कुल सही है, एस और पी एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, आप देख लीजिए एस और ऊपर देखें यहाँ पे हो जाएगा पी, एस यहाँ पे और पी यहाँ पे है। ठीक है, तो पहला तो राइट है। दूसरा बोला जा रहा है वी तथा डब्लू एक दूसरे के आमने सामने है, तो वी और डब्लू भी एक दूसरे के आमने सामने है, वी यहाँ पे है और डब्लू यहाँ पे है। ठीक है, फिर तीसरा ऑप्शन बोला जा रहा है आर तथा टी एक दूसरे के आमने सामने है, तो आर और टी भी एक दूसरे के आमने सामने ही है क्योंकि आर यहाँ पे और टी यहाँ पे है। और यहाँ पे असत्य पूछा जा रहा है दोस्तों कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, वो ऑप्शन नंबर 4 है टी और यू के बीच कम से कम तीन व्यक्ति हैं, तीन व्यक्ति बैठे हैं, तो टी और यू देख लीजिए कहाँ कहाँ पर है, टी यहाँ पर है और यू यहाँ पे है, तो इनके बीच में केवल एक आदमी है डब्लू, और यहाँ पे बोला जा रहा है कम से कम तीन, यानी कि ये ही वाला आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये वाला असत्य है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर इसमें 2 है दूसरे वाला, एस के बाएं ओर से तीसरे स्थान पर कौन है, एस के बाएं ओर से तीसरे स्थान पर कौन है, अगर एस यहाँ पे बैठा है ठीक है, उसका बाएं ओर कौन सा होगा, ये वाला, तो इसके तीसरे स्थान पर 1 2 3 तो कौन बैठा है, यू बैठा है दोस्तों, तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, एस के बाएं ओर आपका यू हो जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो भी पूरी समझ में आ गई होगी, सारे क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा,